सोलोमन प्रतिलेखन संख्या 62-63। सभापति महोदय, सरकार इस स्थिति में नहीं आई है कि वह कह सके कि देश में काला धन नहीं है। काले धन को निकालने के और प्रयत्न होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इस दिशा में भी कदम उठाए जाएं कि ऐसे कामों पर रोक लगाई जाए जिससे लोगों को काला धन कमाने का अवसर ही न मिले। आज हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों की स्थिति में बड़ा अंतर है। इस अंतर को समाप्त किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री महोदय मेरे इन सुझावों पर अवश्य ध्यान देंगे। कल मैं वित्त मंत्री जी की बात बता रहा था कि आप एक तरफ से नए नए कर लगाकर खजाने को भरने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ आपके विभाग उस खजाने में छेद कर रुपया निकाल रहे हैं। इस तरफ उनका ध्यान जाना चाहिए। मैंने इस संबंध में एक उदाहरण दिया था कि एक लंबी चौड़ी सड़क पर कहीं ही तरह एक काम होने वाला था। एक ठेकेदार ने 4 लाख रुपये प्रति मील और दूसरे ठेकेदार ने 10 लाख रुपये प्रति मील के हिसाब से रुपया मांगा। जब मंत्री महोदय के सामने यह चीज लाई गई तो इस बात की जांच हुई जिसमें कुछ करोड़ों रुपये की बचत हुई है। अगर सब मामलों की जांच हो जाती तो कई करोड़ रुपयों की बचत हो सकती थी। जैसा कल मैंने वित्त मंत्री जी से कहा, उन्होंने 2 करोड़ रुपये की छूट करों में देकर हम पर एहसान लाद दिया, लेकिन मैं तो आपका कई करोड़ रुपयों का लाभ करा रहा हूँ। आप इसकी जांच कराइए और देखिए कि कैसे लूट हो रही है। इतना ही नहीं, इसका प्रभाव दूसरे विभागों पर भी पड़ रहा है। वहाँ पर जो दूसरे विभाग काम कर रहे हैं उनकी दरें भी बढ़ रही हैं। या दरें बढ़ने के लिए उनकी विभाग मांग बढ़ रही है। जब वही काम एक जगह अधिक लागत में होगा तो दूसरी जगह वही काम कम लागत में नहीं हो सकता। इसलिए या तो वह चोरी करेगा या दर बढ़वाएगा। अगर एक सड़क पर ऐसा होता है तो वहाँ जो दूसरे काम चलते हैं उनमें भी ऐसा होता है। ठेकेदार आपके विभाग के साथ मिलकर दर बढ़ाते हैं। मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कहता हूँ, उसको ना आप बंद कर सकते हैं और ना मैं बंद कर सकता हूँ और ना लोग। अध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि वित्त मंत्री जी ने जिस संदर्भ में यह बजट प्रस्तुत किया है और जिन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में वित्त मंत्री का भार संभाला है, वह दृष्टिकोण से यदि इस बजट को देखें तो हम इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि वित्त मंत्री जी ने निश्चित तौर पर ऐसा काम किया है जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के भार को लेकर उसमें सफलता प्राप्त करके देश की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा को सुधारा। पिछले वर्ष देश का उत्पादन बढ़ा है, उद्योगों में सुधार हुआ है, कीमतों में सुधार आया है, हमारा आयात कम हुआ है और निर्यात बढ़ा है। इस तरह से देश में एक नई आशा और विश्वास पैदा हुआ है। इस वर्ष के बजट द्वारा भी उन्होंने पिछले वर्ष के कार्यक्रमों को जारी रखने की कोशिश करने का प्रयास किया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें भी उनको सफलता मिलेगी। उन्होंने देश के आयात निर्यात के बारे में जो कदम उठाए हैं उनसे निश्चय ही हमारे विदेश व्यापार का संतुलन सुधरेगा। यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है मैं वित्त मंत्री के लक्ष्यों व कर नीति का आम तौर पर स्वागत करता हूँ। यद्यपि मैं मानता हूँ कि इस कर व्यवस्था के द्वारा मध्य वर्ग पर बोझा पड़ेगा, परंतु इस देश में हमें पंचवर्षीय योजनाओं को जारी रखना है, इसलिए उस संदर्भ में हमें आर्थिक साधन जुटाने पड़ेंगे और ऐसी दशा में
जो लोग इस देश में ऐसी स्थिति में हैं जो कष्ट उठा कर के कुछ भी दे सकते हैं उनको देश के लिए देना ही पड़ेगा। इसलिए वित्त मंत्री जी के इन कदमों का मैं भी स्वागत करता हूँ, परंतु साथ ही साथ मैं नम्रतापूर्वक यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री महोदय ने किसानों पर जो भी नए कर लगाए हैं उनके ऊपर वे फिर सोचें। मेरी मान्यता के अनुसार वित्त मंत्री द्वारा खाद पर जो कर लगाया गया है, जो शुल्क लगाया गया है, वह एक ऐसा कार्य है जिससे इस देश का विकास रुकने वाला है। उन्होंने अपने बजट भाषण की भूमिका में कृषि संबंधी कच्चे माल के उत्पादन के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनकी स्वयं की यह मान्यता है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाना